हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के बारे में। तो इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर कहाँ लगा होता है उसके बारे में देखेंगे, वो क्या काम करता है उसके बारे में देखेंगे, वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में देखेंगे और कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की जानकारी मिलने के बाद ECM को उससे क्या मदद मिलती है वो देखेंगे। और अगर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर इंजन के अंदर लगने के बाद गाड़ी चलती है उसकी कार्य क्षमता घटते बढ़ते रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो गर्म होके ख़राब भी हो जाता है, तो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो जाता है तो हमारी गाड़ी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और थोड़ा सा देखेंगे कि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर अगर किसी खास परिस्थिति में ख़राब होता है तब हमारी गाड़ी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ये खास परिस्थिति जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारे इंजन को, यहाँ तक कि हो सकता है कि गाड़ी हमारी स्टार्ट भी ना हो। तो इस तरह से कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे और साथ साथ में कूलेंट टेम्परेचर सेंसर को हम मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं और कूलेंट टेम्परेचर सेंसर को मल्टीमीटर के साथ साथ हम अगर गाड़ी में स्कैनर लगाते हैं तो उसे कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक दो हम प्रयोग भी करेंगे और हम कई सारे इंजनों में देखेंगे कि कहाँ पे लगा होता है, अलग अलग जगह पे वो क्यों लगा होता है, लेकिन फिर भी उसकी एक खास स्थिति होती है। और पहले और अभी की गाड़ियों में हम देख रहे हैं कि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर पहले की गाड़ियों में एक वायर का आता था और अभी दो दो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर आ रहे हैं, एक वायर का रहता है और एक दो वायर का रहता है। तो ऐसा दो दो टेम्परेचर सेंसर देने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की पूरी डिटेल से वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अब हम वीडियो शुरू करते हैं। ये टाटा का 710 LPT मॉडल की इंजन है और BS6 मानक में आता है और इसमें टेम्परेचर सेंसर, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर एक है और वो भी दो वायर का, और यहीं से मीटर को भी जानकारी जाती है और यहीं से ही ECM को भी जानकारी जाती है कि इंजन में से जो कूलेंट बाहर निकल रहा है उसका टेम्परेचर कितना है रेडिएटर में जाने से पहले। ये देखिए, वाटर जैकेट के पास से पाइप हेड का पानी यहाँ से और यहाँ से वाटर जैकेट में होते हुए थर्मोस्टेट वाल के पास जाके वहाँ से फिर रेडिएटर में जा रहा है, जस्ट उसके पहले टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। 4 SPCR इंजन बोलते हैं इसको, BS6 का जो हाई प्रेशर पंप आता है डेल्फी का और कॉमन रेल भी दिखाई दे रहा है। इस तरह से कूलेंट टेम्परेचर सेंसर किसी भी इंजन से पानी निकलने, गर्म होके निकलने के बाद ठंडा होने से पहले उसकी कूलेंट की गर्मी को नापा जाता है ECM या मीटर के माध्यम से। ये क्यूमिंस कंपनी का 24 वाल का BS3 इंजन है और BS3 इंजन में एक ही टेम्परेचर सेंसर आता है, कूलेंट का टेम्परेचर सेंसर एक ही आता है और मीटर भी एक ही आता है, इसमें ECM नहीं आता। तो सिर्फ मीटर को चलाने के लिए इस गाड़ी में, इस इंजन वाली गाड़ी में हमें एक टेम्परेचर सेंसर देखने को मिलेगा और वो भी थर्मोस्टेट वाल के आगे की तरफ। ये थर्मोस्टेट वाल है और थर्मोस्टेट वाल के आगे जस्ट देखेंगे तो ये टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे एक पिन का लगा है। इसका मतलब कि इंजन के वाटर जैकेट में से जब पानी निकलेगा थर्मोस्टेट वाल के पास से होके इस तरह पाइप लग के रेडिएटर में जाता है ठंडा होने के लिए, तो जस्ट उसके पहले, मतलब इंजन से निकलते ही रेडिएटर में जाने से पहले कूलेंट टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, एक पिन का एक कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ये आइशर कंपनी का इंजन है और ये E483 बोला जाता है इसे, मतलब आइशर 4 का 4 सिलेंडर 83 E483 इंजन बोलते हैं इसे।
और ये भी ये BS2 का इंजन है और इसमें एक कूलेंट टेम्परेचर सेंसर लगा है। यहाँ से पानी जब इंजन में से गर्म होने के बाद इस पाइप के माध्यम से रेडिएटर में जाएगा, जस्ट उसके पहले यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक गोल पिन का सिंगल टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। मतलब पानी जैसे ही इंजन में से बाहर आएगा, वैसे ही रेडिएटर में जाने से जस्ट पहले गर्म पानी कितना गर्म है वो पता करने के लिए और मीटर को चलाने के लिए गोल पिन का एक टेम्परेचर सेंसर लगा है। ये स्वराज माजदा का इंजन है। 6 व्हील की गाड़ियों में SML का जो इंजन आता है, इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि इंजन में से जब पानी निकलता है रेडिएटर में जाने के लिए, जस्ट उसके पहले यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर लगा है गोल पिन का। इसमें गोल वायर लगेगा और वो ये टेम्परेचर सेंसर है और यहाँ पे गोल वायर लगेगा और पानी इंजन से निकलने के जस्ट पहले, निकलने से और रेडिएटर में जाने से जस्ट पहले थर्मोस्टेट वाल्व के पास ये लगा हुआ है। ये टाटा गाड़ियों में आने वाला क्यूमिंस का 12 वाल्व का इंजन है और इसमें भी एक टेम्परेचर सेंसर लगा है। ये यहाँ पे हेड में से जस्ट पानी निकलता है और एक पिन का वायर वाला ये टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, ये हम देख पा रहे हैं। इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि पानी जो है इस पाइप के माध्यम से रेडिएटर में जाने से जस्ट पहले एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे एक पिन का। इसका मतलब हर गाड़ी में अगर हम देखेंगे तो रेडिएटर में पानी जाने से पहले उसका टेम्परेचर गिनती होता है। कूलेंट का टेम्परेचर सेंसर इंजन का पानी निकलता है रेडिएटर में जाने से जस्ट पहले उसका टेम्परेचर नापने के लिए टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है। ये टाटा 407 LPT का 497 EDC पंप वाला इंजन है। हम देख पा रहे हैं कि ये EDC पंप लगा हुआ है वायरिंग वाला और इसका ये वायरिंग का कपलर है। इसमें भी हम देख पाएंगे कि इसका कूलेंट टेम्परेचर सेंसर इंजन के बाएं तरफ एक यहाँ पे लगा हुआ है वाटर जैकेट पे और उसी वाटर जैकेट पे यहाँ लगा हुआ है और वाटर जैकेट का पाइप रेडिएटर में जाने से जस्ट पहले दोनों टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं। ये पानी रेडिएटर में जाता है उसके पहले कूलेंट का टेम्परेचर गिनती करने के लिए टेम्परेचर सेंसर लगा है। तो हम देख चुके कि रेडिएटर में पानी, गर्म पानी भेजने से पहले इंजन में कूलेंट का टेम्परेचर नापा जाता है। 2 वायर का जो पिन है ये यहाँ पे लगा है जो ECM को बताता है। 1 वायर का जो पिन है वो मीटर को चलाने के लिए आता है। इस टेम्परेचर सेंसर में गड़बड़ी ये है कि ये 60 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है। इस टेम्परेचर सेंसर की खूबी ये है कि ये अगर हमारा कूलेंट का टेम्परेचर 10 डिग्री, 15 डिग्री या 30 डिग्री सेल्सियस है या 32 डिग्री सेल्सियस है तो भी बताएगा। ये अर्थ से चलने वाला नेगेटिव टाइप का टेम्परेचर सेंसर है और ये वोल्टेज पे चलने वाला टेम्परेचर सेंसर है। इसके अंदर वोल्टेज आएगा और यहाँ पे थर्मस्टर लगा होता है और वो गर्म होता है और उसका रेसिस्टेंस जैसे जैसे घटता है ECM पता करता है कि अब रेसिस्टेंस कम हो गया, मतलब हमारा टेम्परेचर इतना पहुँच गया। इन गाड़ियों में पहले सिर्फ एक इसलिए आता था क्योंकि गाड़ियों में ड्राइवर को देखने के लिए ही टेम्परेचर मीटर आता था, लेकिन अब BS3, BS4 और BS6 की गाड़ियों में फ्यूल का जो मिश्रण होता है इंजेक्टर पे, डीजल कितनी क्वांटिटी में जाना है वो डिसाइड करना पड़ता है ECM को। पहले मैकेनिकल इंजेक्टर आते थे, इंजन गर्म हो ठंडा हो बस एक्सीलेटर दिए, गवर्नर खुला और उतनी मात्रा में डीजल चला गया, वो जले ना जले उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन BS4, BS3 और BS6 गाड़ियों में डीजल का रेशियो इसलिए सही सही नापा जाता है क्योंकि उसको प्रदूषण भी नियंत्रित करना है।
डीजल उतना ही देना है जितना जले, और पहले की गाड़ियों में डीजल फिक्स था, उतना ही जाता था जितना हमारा इंजेक्टर खुलता था, और जले या न जले या प्रदूषण हो, इंजेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ECM लगने की वजह से ये समस्या का निवारण हो सका है। प्रदूषण अच्छे से नियंत्रित करने के लिए टेम्परेचर, कूलन टेम्परेचर सेंसर की जानकारी ECM लेके और सही सही मात्रा में डीजल का मिश्रण भी देता है, मतलब डीजल देने के लिए भी जवाबदार हमारा कूलन टेम्परेचर सेंसर है। गर्म गाड़ी में अलग क्वांटिटी में डीजल जाएगा, ठंडी गाड़ी में अलग क्वांटिटी में जाएगा। ठंडी गाड़ी में अगर ज़्यादा डीजल जाता है तो वो जलेगा नहीं, हमारी गाड़ी वाइट स्मोक देगी। तो कभी भी हमारा टेम्परेचर सेंसर अगर ख़राब होता है, ये वाला दो वायर वाला, तो हमारी गाड़ी सफ़ेद धुआँ मारेगी। अगर हमारा ये सिंगल वायर का टेम्परेचर सेंसर ख़राब होता है तो किन्हीं खास परिस्थितियों में गाड़ी चलेगी, गाड़ी गर्म होगी कि नहीं होगी, लेकिन हमारा टेम्परेचर का कांटा बहुत ऊपर जाएगा और या तो फिर टेम्परेचर बताएगा ही नहीं, तब हमें इसे बदलना पड़ता है। लेकिन अगर ये ख़राब होता है दो वायर वाला टेम्परेचर सेंसर, तो हमारी गाड़ी सफ़ेद धुआँ मारेगी और गाड़ी की ताकत पे असर पड़ता है, प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए हमें इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। कूलन टेम्परेचर सेंसर, इसके नीचे का जो पॉइंट होता है वो वहाँ पे थर्मस्टर लगा होता है, केमिकल होता है। जैसे जैसे हमारा इंजन गर्म होगा, उस थर्मस्टर के अंदर से रेसिस्टेंस घटेगा, जिससे हमारा मीटर या ECM पता करता है कि रेसिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस वीडियो में आगे हमने देखा कि टेम्परेचर सेंसर कहाँ लगा रहता है, किस तरह से काम करता है, और टेम्परेचर सेंसर की जानकारी मिलने के बाद ECM को क्या मदद मिलती है। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर सेंसर का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये सिंगल वायर का टेम्परेचर सेंसर है, कूलन टेम्परेचर सेंसर। ये दो वायर का कूलन टेम्परेचर सेंसर है। ये जो एक वायर का कूलन टेम्परेचर सेंसर है, यहाँ पे अर्थिंग आती है नेगेटिव, और जैसे जैसे पानी गर्म होता है, ये पानी गर्म होने के बाद क्या होता है कि पानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये केमिकल में जो रेसिस्टेंस खड़ा है वो ये थर्मस्टर को धीरे धीरे गर्म करेगा। तो ये भाग और ये बॉडी का भाग धीरे धीरे एक दूसरे से मिलने लगेगा, मतलब यहाँ पे रेसिस्टेंस कम होगा तो बॉडी पे हमेशा अर्थिंग रहती है और इस पे अर्थिंग रहती है, दोनों मिक्स होने लगेगा इस तरह से। और जैसे ही टेम्परेचर 80 के ऊपर जाएगा तो ये बॉडी का अर्थिंग और ये एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं लगभग 75%। और अगर टेम्परेचर 120 पे चला गया तो ये पूरी तरह से बॉडी का नेगेटिव अर्थिंग और ये सिंगल वायर का, यहाँ से जो सिंगल वायर आया हुआ है जिसमें अर्थिंग आती है मीटर को चलाने के लिए, वो पूरी तरह से एक हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा, मतलब हमारा टेम्परेचर सेंसर का मीटर का पूरा यहाँ पे जो अर्थिंग है वो और यहाँ पे अर्थिंग है वो एक दूसरे से मिल जाता है। ठीक उसी तरह से ये दो वायर वाला टेम्परेचर सेंसर भी काम करता है। यहाँ से वोल्टेज आता है और यहाँ से पानी इसको ठंडा करता है, इस केमिकल को थर्मस्टर बोलते हैं, यहाँ पे लगा रहता है। इसको गर्म होने से पानी जैसे जैसे गर्म होगा, ये वायर में से करंट उतनी मात्रा में यहाँ जाने लगेगा और हमारे ECM को पता चलेगा अब टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ज़्यादा गर्म होने से क्या होगा कि और ज़्यादा ये वायर का करंट ये वायर में जाने लगेगा, जिससे हमारे ECM को पता चलता है कि अब हमारा टेम्परेचर अधिक से अधिक हो रहा है, जिससे रेसिस्टेंस घटेगा। यहाँ पे जो रेसिस्टेंस थर्मस्टर में घटेगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये वायर और ये वायर में सेम वोल्टेज हो जाएगा, मतलब हमारा टेम्परेचर सेंसर फुल हाई पे, उसकी फुल कैपेसिटी पे हो जाता है। तो इस तरह से टेम्परेचर सेंसर का अंदर का स्ट्रक्चर काम करता है और हमारे ECM को इससे मदद मिलती है फ्यूल का जो मिश्रण बनाता है उसमें। और ये पानी में डूबा हुआ जो भाग है, अगर हम गाड़ी में से पानी निकाल दें तो हमारा टेम्परेचर सेंसर
एकदम से कम काम करेगा, मतलब पानी के संपर्क में आने से गर्मी इसको मिलेगी, जिससे ये गर्मी रेसिस्टेंस को घटाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस घटते जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा रेसिस्टेंस बढ़ते जाएगा, दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। एक नेगेटिव पे काम करता है मतलब अर्थिंग पे, और एक पॉजिटिव पे काम करता है मतलब वोल्टेज आने पे। यहाँ से वोल्टेज आएगा और ये थर्मस्टर हमारा गर्म होगा, पानी गर्म होगा, तो हमारा ये कूलन टेम्परेचर सेंसर का भाग जो पानी में डूबा रहता है वो गर्म होगा। हमारा थर्मिस्टर में से ये करंट जितनी मात्रा में यहाँ से निकलेगा, ECM पता कर लेता है कि अब इतना रेसिस्टेंस कम हो गया है, मतलब हमारा टेम्परेचर इतना हो गया है। इस वीडियो में हमने बताया था कि अगर किसी गाड़ी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है। इस सिंगल वायर वाले में अगर टेम्परेचर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा कि हमारा टेम्परेचर मीटर जो होता है वो एकदम हाई पे चला जाएगा, 120 या 130 जितना भी कांटे में हो। सिंगल वायर का टेम्परेचर सेंसर है और गाड़ी BS1 BS2 और सादा है बिना ECM का, तो हमारा मीटर हाई चला जाएगा, यहाँ पे लाइट जल जाएगी, बीप बजना शुरू हो जाएगा। मीटर में एक बीप देता है कंपनी, वो बीप बजना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारी गाड़ी चलेगी, वहाँ तक चलेगी जहाँ तक अगर एक्चुअल में गाड़ी में गड़बड़ी होने से टेम्परेचर बढ़ा है तो हमारा इंजन सीज होने तक गाड़ी चलेगी। इसीलिए मीटर चलाने के लिए पहले टेम्परेचर सेंसर आता था, लेकिन जिस गाड़ियों में दोनों टेम्परेचर सेंसर है, सिंगल वायर का और डबल वायर का, सिंगल वायर वाला अगर हाई हो जाता है तो हमारा मीटर हाई हो जाएगा, लाइट जल जाएगी, बीप बजेगा, लेकिन इसकी वजह से गाड़ी रुकेगी नहीं। लेकिन अगर उसी में दूसरा वाला भी लगा है, दो लगा है जो करंट से चलता है और ECM को इन्फॉर्मेशन देता है, तो अगर टेम्परेचर हाई हो गया 120 130 तो हमारा ECM जो है इंजन को बंद कर देगा ताकि हमारे इंजन को नुकसान ना हो, और ये तो होगा ही, मीटर हाई बताएगा, लाइट जल जाएगी, और मीटर फुल होने के बाद एक्सीलेटर भी हमारा काम करना बंद कर देगा या रेस नहीं होगी गाड़ी, क्योंकि BS3 और BS4 में सॉफ्टवेयर में इस तरह से अरेंजमेंट दिया है ECM के अंदर कि हाई टेम्परेचर होने पे इंजन को बंद करेगा, सिग्नल देगा, वार्निंग देगा, और हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी, स्टार्ट नहीं होगी तब तक जब तक टेम्परेचर लो ना हो। दूसरा, कूलिंग टेम्परेचर सेंसर दो तरह से ख़राब होता है। ख़राब होने पे या तो एकदम हाई दिखाएगा, तो ये जो अभी मैंने लक्षण बताया वो बताएगा। एक गाड़ी में हमको मिला था कूलन टेम्परेचर सेंसर -135 दिखा रहा था सिंगल वाला, और उसमें दूसरा भी लगा था, तो -135 दिखाने का मतलब है कि हमारा पानी पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है, बर्फ बन गया है। ऐसे में हम जब सेल मारते थे तो हमारा इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि इंजन स्टार्ट होता तो हमारे वाटर पंप में इस तरह का ब्लेड दिया हुआ रहता है। अगर 135 माइनस 117 से लेके 135-36 पे जाता है टेम्परेचर सेंसर ख़राब होने की वजह से, या हकीकत में किसी भी कारण से मौसम बदलने से, तो वाटर पंप के प्रोपलर टूट जाएंगे। अगर पानी बर्फ़ हो गया है तो टूट जाएंगे। इसलिए जब तक पानी का टेम्परेचर का पानी में मतलब पानी जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होगा तब तक हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। फ्रीज होने की कंडीशन में चला गया तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारा वाटर पंप टूट सकता है। ये जानकारी 135 डिग्री मतलब 117 से 135-36 डिग्री की जानकारी हकीकत में होती है तो भी, और सेंसर ख़राब होने की वजह से होती है तो भी, ECM तो पता नहीं करता आके चल के कि चलूँ देखूँ क्या हुआ है। ECM को सिर्फ जानकारी से मतलब है, अगर गलत जानकारी देगा तो ECM उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा, अगर सही सही जानकारी देगा कि भाई -135 सही में हो गया है तो भी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और सेंसर ख़राब होने की वजह से अगर ऐसा होता है तो भी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है किसी गाड़ी में, किसी दिन अलग से वीडियो बना देंगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।